तो दोस्तों इस समय मैं आपके पास एक और वीज़ा का सीरीज़ लेके आया हूँ और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इजिप्ट वीज़ा के बारे में। सबसे पहले आप देख लो इजिप्ट का वीज़ा कैसा होता है। देख रहे होंगे ये है इजिप्ट का वीज़ा, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। और इजिप्ट का वीज़ा मुझे कैसे मिला, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस समय मैंने जो है इजिप्ट का टूर कैंसिल कर दिया है। मैंने क्या, गवर्नमेंट ने ही कैंसिल कर दिया है, चूँकि लॉकडाउन था तो हम कहीं जा नहीं सकते। और इसी के साथ मुझे इसराइल का भी वीज़ा मिला है और जॉर्जिया का भी मिला है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे इजिप्ट के वीज़ा के बारे में। और अभी आप मेरे वीडियो में देख रहे होंगे तो जो है ईस्ट अफ्रीका का सारा टूर चल रहा है, जिसमें 5 कंट्री में विजिट किया हूँ। तो उस 5 कंट्री में अभी जो चल रहा है वीडियो वो है तंजानिया का चल रहा है, जिसमें केनिया हो गया, इथियोपिया हो गया, अब तंजानिया चल रहा है, उसके बाद युगांडा और रवांडा का रहेगा। तो आप जो है जा कर के नीचे वीडियो का लिंक दिया है, देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसका मैं बताऊँगा कि आप 5 जो है देश कैसे जा सकते हैं और बहुत कम खर्चे में, और एक साथ आप वीज़ा कैसे पाएंगे। और आगे इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं या कहीं किसी देश में आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और आपके दिमाग में रहता है वो मुझे वीज़ा न अराइवल देगा कि नहीं देगा, या दूसरा देश कहता है कि आप कब अपने देश रिटर्न आओगे, तो उसके लिए आप कैसे फ़्लाइट बुक कर सकते हो डमी, वो भी 100% जेन्युइन, वो मैं आपको बता। दोस्तों मुझे वीज़ा मिलने में लगभग 1 हफ्ते लग गए थे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा था वो भी मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। क्योंकि लॉकडाउन में अभी मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, आप भी नहीं जा पा रहे होंगे, तो जो पिछली सीरीज चल रही है, जो मैं अफ्रीका से हूँ, वही वीडियो चल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। सबसे पहले तो आपको एक जो है बनाना पड़ेगा वीज़ा ऑफिसर के नाम पे, वो आपको कवरिंग लेटर, ठीक है। और कवरिंग लेटर कैसा बनेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बताया हूँ कि आप कैसे कवरिंग लेटर बना सकते हो और कैसे अपनी ट्रेवल आइटनरी वीज़ा ऑफिसर को लिख सकते हो, ठीक है। और बैंक में आपके पैसे कितने चाहिए वो तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। लगभग आपको 50,000 रुपये चाहिए होता है और आपको वीज़ा मिल जाता है। अब जो डॉक्यूमेंट्स लगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले तो आपको एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको साइन किया हुआ रहेगा, तो आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उसका मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है इजिप्ट एम्बेसी का, उस पर जा कर के आप डाउनलोड कर लीजिए और आपको जो समझ में आता है वो भरिए, नहीं तो विंडो पर पहुँच जाएँगे। विंडो पर जो है सुबह लेते हैं और जब वीज़ा आपको देते हैं तो लगभग 3 बजे के लगभग देते हैं, इसलिए आप सुबह दिल्ली में चले जाएंगे और उनके एम्बेसी पे आपको सुबह सुबह वहाँ जमा करेंगे। जो आपको नहीं समझ में आएगा वहाँ 1-2 लोग भरते रहते हैं और आप जो है आप भी वहाँ पे भर सकते हो। दूसरा होता है यहाँ पे ओरिजिनल पासपोर्ट, ये मतलब पासपोर्ट की फ़ोटो कापी वगैरह, आप जानते ही हैं कि ओरिजिनल पासपोर्ट एंड उसकी फ़ोटो कापी लगानी होती है। तीसरा होता है आपका 2 फ़ोटो देना है, ठीक है, 2 फ़ोटो देना है और जो भी फ़ोटो खिंचाइए आप वहाँ पे साइज उनका दिया रहता है कि कौन सी साइज़ की आपको फ़ोटो चाहिए। ऐसे नॉर्मल साइज ही चाहिए होता है, लेकिन जो बैकग्राउंड है जो ये देख रहे हैं ये वाइट होनी चाहिए। उसके बाद में जो ये मैं बताऊंगा आपको कवरिंग लेटर का, वो कवरिंग लेटर में ही ये सब मेंशन करना होता है कि आपने क्या क्या अटैच किया है। तो आपको एक कवरिंग लेटर और एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, अगर आप एम्प्लॉई हैं, अगर आप जॉब नहीं करते हैं, आप ट्रेवलर हैं, तो आप कुछ अगर ट्रेवल हिस्ट्री वगैरह है तो आप ये मेंशन करिए कि मैं ये ट्रेवल किया हुआ हूँ और उसके बारे में आप बता सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा 6 महीने का, ITR हमने लगाया था, लेकिन भाई ITR आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो देखते भी नहीं हैं और लौटा देते हैं। तो इस तरह अगर आप ITR लगा रहे हो तो आपका पूरा वेस्टेज है। ट्रेवल आइटनरी वो ज़रूर पूछते हैं कि आप कितने दिन रहोगे, सपोज दैट आपको 1 हफ्ता रहना है तो आप 1 हफ्ते वहाँ पर कहाँ कहाँ जाओगे। तो उसका मैंने एक ईजिली बनाया हुआ है लगभग 1 हफ्ते 10 दिन का, वो क्या क्या आपको सिंपली लिखना है वो मेरे दूसरे वीडियो में है कि जो है ट्रेवल आइटनरी
और कवरिंग लेटर इजिप्ट का कैसे जो है आप बनाएं। इजिप्ट कहाँ आपको पता है, इजिप्ट जो है सऊदी अरबिया से थोड़ा ऊपरी हिस्से पे है, उसे आप मिस्र के भी नाम से जानते हैं, वहाँ पे पिरामिड्स वगैरह हैं। इसके बाद में फ्लाइट टिकट मांगते हैं आने और जाने का। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि फ्लाइट टिकट के लिए क्या करें, कि यार आप फ्लाइट चाहो चाहो तो जेन्युइन कर सकते हो, और नहीं तो एक साइट है वो जेन्युइन बोलती है कि हमारे टिकट जेन्युइन होते हैं, तो वहाँ पे उनके 10 या 15 डॉलर फीस लेते हैं, और वहाँ से आप जो है इजिली फ्लाइट बुक कर सकते हो। अगर अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपका फ्लाइट का खर्चे से बच जाते हैं। तो लेकिन मैंने तो जेन्युइन ही करा था, क्योंकि मैं जेन्युइन ट्रेवलर हूँ, तो मैं हमेशा जो है बनवा लेता हूँ, और मुझे लग रहा था कि मिल जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क ले लिया। और होटल वाउचर आप booking.com से कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री में रहता है, तो आप होटल वाउचर ले सकते हैं, और जिससे जो है आपको होटल वाउचर में कि आप किस किस होटल में रहेंगे और कहाँ कहाँ रहेंगे उसका डिटेल उन्हें पता चल जाता है, ठीक है। और उसे साइन करके आपको वहाँ पे जमा कर देना है, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि लगभग फीस की। तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम तो मुझे करेक्ट याद नहीं है, पर उनके वेबसाइट पे मेंशन है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। अराउंड 2800 रुपये शायद मेरे लगे थे, और मैंने किसी से जो है अप्लाई नहीं कराया था, खुद से अप्लाई किया था। अब चूंकि ये मैंने वीज़ा अप्लाई किया जो है था फरवरी लास्ट में, ठीक है, और 90 दिन की वैलिडिटी के साथ में मिला हुआ है, तो मैंने अब काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे फीस याद नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पे लिख कर देख करके वेबसाइट पे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं, और आपको वीज़ा दे देते हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा था इजिप्ट के बारे में, इजिप्ट का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, कितना खर्चा आता है, और जो है इसके बाद में दूसरा वीडियो है कि आप ट्रेवल आइटनरी इजिप्ट के बारे में कैसे बनाएं, कवरिंग लेटर कैसे बनाएं, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। और तीसरा इसके बाद में जो आपको और वीज़ा का सीरीज है वो है इज़राइल का वीज़ा कैसे मिला और जॉर्जिया का कैसे मिला। तो अभी तक मैंने 17-18 कंट्री टोटल कवर किए हुए हैं, और मैं कैसे एक साथ कई कंट्री जाता हूँ और बहुत कम खर्चे में, उसके बारे में बताऊँगा। और इसमें आपको मैं बता दूं कि कैसे आप एक कंट्री से जब दूसरे कंट्री के लिए जाते हैं, उस समय इमिग्रेशन में आपके दिमाग में रहता है यार क्या करें हम, ये पूछेंगे इस देश से उस देश क्यों जा रहे हो, एक कंट्री से कई कंट्री जा सकते हैं, इसका मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि इस वीडियो मुझे इतना बताना था कि कैसे आप इजिप्ट का वीज़ा पा सकते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी है, आपको कोई कंसर्न है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं बहुत जल्दी ही मोबाइल नंबर अपडेट करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को वीज़ा की जानकारी लेने में या कुछ भी हो तो आप मुझे डायरेक्ट जो है संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्म फिल वगैरह नहीं कर पाते हैं तो मामूली से चार्ज पे आप वो भी कर सकते हैं, और मैं आपका हेल्प करूँगा। तो ये सारी डिटेल मुझे आपको देनी थी, और आप मुझे अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम की आईडी है @ProTravelerSanjay, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करिए, आप हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को शेयर करिए, और मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक ऐसी सीरीज चालू करूंगा जिसमें आप पहले कहाँ ट्रैवल हिस्ट्री चालू करें और कौन कौन सा देश आपको वीज़ा ऑन अराइवल 101% देता है, उसकी वीडियो बनाऊंगा, जिससे पहले आप वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री पे काम करिए, वहाँ ट्रैवल करिए, उसके बाद में आप जिनके वीज़े थोड़े आसान हैं उस पर जाइए, और उसके बाद में हार्ड कंट्री जो वीज़ा देते हैं यूरोप वगैरह उसके बारे में बताऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, या जो है आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।